आज जब राम मंदिर बन रहा है तो उसमें इतनी उंगलियां उठ क्यों रही है? अगर राम मंदिर इतने सालों बाद बन गया है तो क्या तकलीफ है उसमें? मैं तो बोलूंगा मेरी आस्था है, बाबरी मस्जिद मेरी आस्था है और मेरी आस्था को कुचला गया। संविधान को मानते हैं और अभी आप कह रहे हैं तो कोर्ट के निर्णय के बाद भी वो बाबरी मस्जिद रहेगी, यही आपको एक्सपोज करेगा। तो राम लला के मंदिर को आप मस्जिद क्यों मानेंगे? आने वाली नस्लों को भी भड़काएंगे, आने वाली नस्लों को भी भड़काएंगे। कि श्री राम ने शबरी के बेर खाए, मैं भी एक हिंदू हूं पर मैं अपने धर्म को लेकर कट्टर नहीं हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि लक्ष्मण जी ने क्यों नहीं खाए थे, उनके मन में शंका क्यों? मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि तार्किक प्रश्न और इसका उत्तर भी मैं देवी जी तार्किक ही दूंगा। जब राम साथ में हो तो लक्ष्मण की हिम्मत नहीं कि वो एक कदम भी बढ़ा दे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वायरल डिबेट शो के अंदर। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले वो होने वाला है न्यूज 18 इंडिया के शो आर पार का। और दोस्तों आज की इस डिबेट के अंदर राम मंदिर को लेकर बहस होने वाली है, जिसमें दोस्तों मौलाना साजिद रशीदी साहब, हिंदू धर्म गुरु दीपांकर साहब और बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक के बीच में काफ़ी तीखी बहस इस डिबेट में होगी। और साथ दोस्तों जनता भी काफ़ी कड़े क्वेश्चन मौलाना साहब से इस डिबेट के अंदर राम मंदिर के मुद्दे पर पूछने वाली है। दोस्तों वीडियो बड़ा ही कमाल का होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कांग्रेस के वक्ता से सवाल है विपक्ष से सवाल है मेरा कि आप अभी तो राम के क्रेडिट की बात करते हैं, लेकिन आप ही ने 2008 में सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि राम काल्पनिक है, तो आज आप क्रेडिट की बात कैसे कर सकते हैं जब आपने राम को काल्पनिक माना है? ये कांग्रेस ये जो कोर्ट वाला था, हालांकि आप कांग्रेस के नहीं है लेकिन कांग्रेस को कैसे क्रेडिट मिल जाएगा? आप खुद जानते हैं कांग्रेस ने क्या क्या कर्म करे हैं। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि कांग्रेस का हाल ये हो चुका कि ना वो इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। सारा पूरा जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस के दौर में हुआ। अगर बाबरी मस्जिद को गुंडे शहीद ना करते, मूर्ति ना रखी जाती, तो सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के चक्कर में पड़े हैं, संतर हो गई है जमीन। नहीं नहीं सर, अब रामलला विराजमान हो रहे हैं। सुन लीजिए, काम को सुन लीजिए, हम अपनी जनरेशंस को बताएंगे, सुनिए, हम जनरेशंस को बताएंगे, अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि बाबरी मस्जिद थी और हमारे लिए हमेशा ता कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। ये मेरा बिलीफ है, आपकी आस्था आप कुछ भी करिए, लेकिन मेरे लिए मस्जिद पर अभी आप कह रहे हैं हम संविधान को मानते हैं और अभी आप कह रहे हैं ने मुझे हमारे लिए तो कोर्ट के निर्णय के बाद भी वो बाबरी मस्जिद रहेगी, यही आपको एक्सपोज कर देता है। नहीं तो फिर संविधान ने दूसरी जगह दिया तो उसको मानिए मस्जिद, तो रामलला के मंदिर को आप मस्जिद क्यों मानेंगे? यानी आने वाली नस्लों को भी भड़काएंगे, वाली नस्लों को भी भड़काएंगे। अरे महाराज सुन तो लीजिए, मैं तो बोलूंगा मेरी आस्था है, फैसले देने चाहिए। बाबरी मस्जिद मेरी आस्था है और मेरी आस्था को कुचला गया और जिसने उस आस्था को कुचला है उसको ठीक है। स्वामी जी बात कि हम ता उम्र तक बताएंगे कि वो बाबरी मस्जिद थी, आने वाली नस्लों को जवाब। मैं समझता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ियां और नस्लें बेहद एजुकेटेड होंगी, उलझेंगी नहीं। दो तरफ होगा, एक तरफ क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो ऐसे, मगर ऐसे ना हो कि जहां फिर से डिवाइड जैसे सिचुएशन हो। आज जब राम मंदिर बन रहा है तो उसमें इतनी उंगलियां उठ क्यों रही है? अगर राम मंदिर इतने सालों बाद बन गया है तो क्या तकलीफ है उसमें? और अगर आप कहते हैं कि दलित को राम मंदिर में नहीं एंटर करने दिया जाएगा, आप संविधान की बात करते हैं, संविधान लिखने वाले भी एक दलित थे, और अब जब आप ये कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति नहीं जाएंगे राम मंदिर में, कैसे कहा? जवाब यही, सबसे बड़ा दुख है कि जिस दलित ने हिंदुस्तान को संविधान दिया आज उसी दलित के मानने वाले लोगों को इस तरह से कुचला जा रहा है और इस तरह से उनको मंदिर में एंट्री देने की बात नहीं की जा रही है। इवन राष्ट्रपति जी को रोक दिया जाता है, राष्ट्रपति जी को रोक दिया जाता है। आप झूठ सुन रहे हैं अमीर जी, राष्ट्रपति मैं जो बोल रहा था कि नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये बार बार झूठ बोल रहे हैं। इस देश में किस दलित को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है? आजकल झूठी होता है। इस देश में किस दलित को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं? बार बार झूठ बोल रहे हैं। पर आप अपनी बात को सही तरीके से रखिए, ये माननीय राष्ट्रपति की बात है, इसलिए मेरा निवेदन है राम मंदिर बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है। हमारी धार्मिक प्रतिष्ठानों पे डिपेंड करने का अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को त्याग दिया। मेरे शहर में त्रिपुर माँ बाला सुंदरी का सिद्ध पीठ है, अभी वहां मेला भरा था, वहां हर व्यक्ति आया सर, और किसी ने आधार कार्ड नहीं देखा। सवाल किसी ने आधार कार्ड नहीं देखा जी। इस तरफ से पहला सवाल आया, आपका भी सवाल है मैडम, आपका भी है। ओके बोलिए सवाल क्या। मेरा प्रश्न स्वामी जी से, आपने कहा कि हमें कोई भी जाति के अंदर भेदभाव नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब पुराने जमाने के अंदर लोगों के गले में हांडिया और पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, वो लोग कहां से आते थे? वो कहां से आते थे? और अंबेडकर जी ने जिसके लिए तालाब का पानी पी के अनशन किया था, वो कौन थे? तुम ना बोलते, वो द्रविड़ों की पीढ़ी जिसकी बेटा तुमने बात करी है, इनको नहीं दिखता? मतलब जब मैंने कहा उनकी भी सोचो तो कहते हैं मैं उनकी क्यों सोचूं? आप स्वामी जी आप उत्तर दीजिए। हां वही हम कह रहे हैं, तुम बोले भी क्यों नहीं बोलते? जोर से बोलो, सुनाई कम देता है। सुनिए नहीं दादा, हमें बराबर सुनाई देता, आप नहीं बताते कुछ कहानी और मैं बोलना भी नहीं चाहता। छोड़िए, मैं एक काम की बात बताता हूं। उस समय में जो घटना घटी दादा, उसकी वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मगर आज को क्यों बिगाड़े? आज तो एक होकर चल सकते हैं। आज जातिवाद समाप्त हो गया, ये देखिए सवाल आपको, तो मैं वहीं जाकर बोलूं उससे, मैं उसके कान में जाकर इधर आइए, इधर आइए। आप जवाब, एक सेकंड, आपका संवाद, आपने जो सवाल पूछा, मैं दादा आपसे कहने के लिए यहीं आ गया।
उस समय जो हुआ गलत होना नहीं चाहिए। कोई इस देश में दलित नहीं था दादा, इस देश में शबरी के झूठे बेर खाने वाला इस देश का त्रिलोकीनाथ था जिसके हाथ में त्रिशूल है। मगर फिर भी एक बात कहूंगा कि अगर जो कुछ पूर्व में हुआ, दलित में एक बच्चे देहरादून में एक बच्चे को अंदर जाने से रोका गया, मैं खुद जाकर के उसे भीतर दर्शन करा कर लाया। मैं एक चीज कह सकता हूँ, हम चीजों को सुधार सकते हैं ना। कह रहे हैं कि श्री राम ने शबरी के बेर खाए, मैं भी एक हिंदू हूँ पर मैं अपने धर्म को लेकर कट्टर नहीं हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि लक्ष्मण जी ने क्यों नहीं खाए थे, उनके मन में शंका क्यों आई? अब मैं अपनी बात कहूँ लक्ष्मण, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि तार्किक प्रश्न है और इसका उत्तर भी मैं देवी जी तार्किक ही दूंगा। जब राम साथ में हो तो लक्ष्मण की हिम्मत नहीं कि वो एक कदम भी बढ़ा दे, क्योंकि हम लोग किस नहीं, मैं कंप्लीट कर दूं कि हमसे जब पूछा गया कि आप राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की बात करते हैं, वो भी चार भाई थे, और भी चार भाई थे, उनकी चर्चा क्यों नहीं करते? हमारे में और उनमें थोड़ा सा फर्क है, हमने पिता के सामने तस्तरी में सजा करके उनकी गर्दन नहीं बेची। बिल्किस बानो पे क्या बोलेंगे? अब बिल्किस बानो पे भी बोल देता हूँ दादा। मैं एक चीज कहता हूँ, चाहे देश की बेटी कोई हो, उसमें हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं, बेटी बेटी होती है, सबको उतनी ही पीड़ा होनी चाहिए। बात हुई राम और लक्ष्मण की, बात हुई राम और लक्ष्मण की, तो भारत जैसे मुल्क ने, भारत जैसे देश ने, भारतवर्ष ने चार भाई देखे, एक राम लक्ष्मण और भरत देखे, एक दारा शिकोह और औरंगजेब देखे, औरंगजेब और उसके भाई देखे। एक भाई ने अपने भाई का सिर काट के अपने पिता को गिफ्ट भेज दिया जेल के अंदर, और दूसरी तरफ भरत ने खड़ाऊ रखकर अपने भाई की राज करा। तो हम अपने घर में कौन चाहते हैं, राम भरत और लक्ष्मण चाहते हैं या औरंगजेब चाहते हैं, ये निर्णय हमें खुद करना है अपने अपने घरों के अंदर। दोस्तों सबसे पहले सभी सच्चे देशभक्त और रामभक्त प्लीज कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री राम जरूर से लिख के जाएगा। बात ही दोस्तों आज की इस डिबेट की, तो दोस्तों ये डिबेट राम मंदिर के मुद्दे पर थी, जिसमें दोस्तों शदाब चौहान, साजिद रशीदी साहब, हिंदू धर्मगुरु दीपांकर साहब, बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक और विवेक श्रीवास्तव ने अपने अपने पक्ष इस डिबेट में रखे। और साथ ही दोस्तों जनता ने भी काफी कड़े क्वेश्चन मौलाना साहब से और कांग्रेस से इस डिबेट में पूछे। अब दोस्तों बात करते हैं शदाब चौहान की, क्योंकि दोस्तों ये डिबेट राम मंदिर के मुद्दे पर थी, लेकिन दोस्तों जब शदाब चौहान के इस बारे में पूछा जा रहा था तो वो बोल रहे थे कि हम हमारी नस्लों को बताएंगे कि हम यहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, हमारी आस्था बाबरी मस्जिद में, वगैरह वगैरह बातें कर रहे थे। दोस्तों मैं आपको साफ बता दूं कि इनका प्रोपेगेंडा यहीं पर एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि ये एक तरफ तो बोलते हैं कि भैया हम संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, लेकिन वही संविधान वही कानून जब एक राय दे देता है कि यहाँ पर राम मंदिर होना चाहिए तो उसको नहीं मानते, तो इनका फेक प्रोपेगेंडा यहीं पे एक्सपोज हो जाता है। और साथ ही दोस्तों इस डिबेट के अंदर साजिद रशीदी साहब ने भी कई अनाप शनाप बातें बोली, जिसको एक्सपोज किया इसी डिबेट के अंदर डिबेट के एंकर अमीश देवगंजन साहब ने। वो बोल रहे थे कि भैया राष्ट्रपति को राम मंदिर में आने से मना कर दिया, बुलाया नहीं, वगैरह वगैरह, जो कि एक फेक प्रोपेगेंडा के तहत ये लोग काम करते हैं और फेक प्रोपेगेंडा ही हर डिबेट के अंदर आके फैलाते हैं। अपने आप को विक्टिम साबित करना, विक्टिम दिखाना, ये इनकी आदत हो चुकी है। खैर दोस्तों आपकी क्या राय इस डिबेट को लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता के जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे वीडियोस के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।